नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार मुझसे पूछा जाता है, क्या पुराने एग्रीमेंट के आधार पर एग्रीमेंट की पालना का कोर्ट में मुकदमा किया जाए तो उससे कोर्ट द्वारा आपके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के पास पुराना एग्रीमेंट है, कितना पुराना, 3 साल से ज्यादा, और उस व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि मेरा एग्रीमेंट 3 साल से ज्यादा समय का हो गया है और एग्रीमेंट 3 साल के बाद खत्म हो जाता है, और सामने वाला व्यक्ति अगर आपके नाम पर रजिस्ट्री नहीं करा रहा है तो क्या 3 साल से ज्यादा पुराने एग्रीमेंट के आधार पर कोर्ट से रजिस्ट्री होगी या नहीं होगी, यह इस वीडियो में अपन समझेंगे। तो आपका जो प्रश्न था आपको समझ में आ गया, अब उसका उत्तर सुन लीजिए। एक उत्तर तो है हाँ, 3 साल से ज्यादा पुराना है तो भी हो जाएगी, यानी 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल तो भी कोर्ट से रजिस्ट्री हो जाएगी। दूसरा मेरा उत्तर है कि नहीं, 3 साल से ज्यादा पुराना एग्रीमेंट है तो कोर्ट आपके एग्रीमेंट को नहीं पढ़ेगी और आपके नाम पर कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्री नहीं होगी। अब ये क्या बात कर दी वकील साहब, दोनों प्रश्न आपने उत्तर दे दिए, दोनों मैंने उत्तर दिए, तो दोनों उत्तर अपनी जगह सही है, बस समझ का फर्क है। और यही बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कब 3 साल से ज्यादा पुराना एग्रीमेंट के आधार पर मुकदमा करके आप अपने नाम पर कोर्ट से रजिस्ट्री करवा सकते हैं और कब 3 साल से ज्यादा पुराने एग्रीमेंट के आधार पर आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते, ये अपने वीडियो का मेन उद्देश्य। तो सबसे पहले देखो, इस बात को समझने के लिए अपने को कानून समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा प्रश्न है कि लोग उलझे रहते हैं, कोई एक एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं साहब हो जाएगी, दूसरा एडवोकेट साहब बोलते हैं नहीं होगी, गांव का कोई मुखिया क्या बोलता है, एक दूसरा आदमी क्या बोलता है। तो जिन व्यक्ति को प्रॉपर नॉलेज है, यानी कि अगर वकील साहब जिनके पास आप जा रहे हो उनको प्रॉपर इस बात की नॉलेज है, निश्चित रूप से उत्तर आपके समझ में आ जाएगा। मगर ये वीडियो देखने के बाद आपको किससे पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके खुद के दिमाग में बैठ जाएगी कि मेरा मामला किस जगह पे है। तो पुराने एग्रीमेंट के संबंध में कानून क्या है, देखो तो कानून यह कहता है कि कोई भी पुराना एग्रीमेंट जिसकी संविदा यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर आप मुकदमा करते हो तो धारा 54 किसकी, लिमिटेशन एक्ट की, यह 1963 का एक्ट है। ये दो बातें बोलता है, एक बात तो यह बोलता है कि अगर एग्रीमेंट में कोई तारीख लिखी हुई है, अगर एग्रीमेंट में तारीख, कौन सी तारीख, एग्रीमेंट करने की नहीं, एग्रीमेंट के पालना की तारीख कि इतनी तारीख को मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, वापस समझ लीजिए, एग्रीमेंट में एग्रीमेंट के पालना की कोई तारीख लिखी हुई है, एग्रीमेंट की तारीख नहीं, एग्रीमेंट तो हर व्यक्ति लिखते हैं इतनी तारीख को एग्रीमेंट किया गया, एग्रीमेंट के पालना की भाई इतनी तारीख को मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, ऐसा अगर लिखा हुआ है और सामने वाला अगर रजिस्ट्री नहीं करा रहा है तो जो तारीख लिखी हुई है ना उससे 3 साल तक आप मुकदमा कर सकते हो, ये कानून ये बोलता है। ठीक है, अब कानून लंबा समय हो गया तो किस कब एग्रीमेंट से रजिस्ट्री करा सकते हो ये भी बताऊंगा, इस बात को गहरे से समझ लीजिए। ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट किया मान लो 1/1/2020 को, तो अगर इसमें कोई तारीख लिख रखी है इस एग्रीमेंट में कि भाई 1/1/2024 को तक मैं रजिस्ट्री करा दूंगा इस, और वो रजिस्ट्री नहीं कराता है तो इस एग्रीमेंट में अंदर जो तारीख लिखी, ये तारीख नहीं, एग्रीमेंट लिखने की तारीख नहीं बोल रहा हूं मैं, एग्रीमेंट में जो रजिस्ट्री कराने की तारीख लिखी हुई है उससे 3 साल के अंदर अंदर आप मुकदमा कर सकते हो, यानी कि 2020 से नहीं, 2024, 25 और 26, 24, 25, 26, ठीक है ना, तो ये 24, 25, 26, हाँ 1/1/2026 तक, ठीक है ना, यानी 3 साल के अंदर अंदर आप कर सकते हो। और दूसरी बात, ये तो आपको समझ में आ गया, अब दूसरा धारा 54 क्या बोलती है उसको समझ लीजिए, अगर एग्रीमेंट में कोई तारीख नहीं लिखी हुई, एग्रीमेंट ये कहता है कि जब भी वादी कहेगा, जब भी प्रथम पक्षकार कहेगा तब रजिस्ट्री करा देंगे, या एग्रीमेंट मौन है,
यानी कुछ भी नहीं कहता रजिस्ट्री के बारे में, रजिस्ट्री कब करूंगा नहीं करूंगा कुछ भी थे नहीं, बस ये है कि बेच दिए और खरीद लिए बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, पैसे प्राप्त कर लिए। एक बात ये कहते हैं जब भी वादी कहेगा तब, ऐसी स्थिति अगर एग्रीमेंट में है और सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा तो इसमें दूसरा कारण, जब सामने वाले व्यक्ति जिसने जमीन खरीदी है उसको ये बात का पता चला कि भाई वो कह रहा है कि एग्रीमेंट में मुझे रजिस्ट्री कराओ और सामने वाला मना कर रहा है, यानी कि जिस खरीदने वाले को जब पता चला कि सामने वाला रजिस्ट्री कराना नहीं चाहता है, उसको जिस तारीख को पता चला उससे 3 साल के अंदर अंदर वाद पेश करता है। ये 3 साल और ये 3 साल में बहुत ज्यादा फर्क है, वापस आप समझ लीजिए गहराई से, क्योंकि ये बहुत बारीक कानून है, इसको समझ नहीं समझने पर आप मुकदमा करोगे तो मुकदमा 7-11 में उड़ जाएगा, 7-11 सिविल प्रक्रिया संहिता है, कानून सामने वाला वकील साहब लगाएंगे एप्लीकेशन के, मुकदमा चलने लायक नहीं है, मुकदमा 3 साल के बाद पेश किया है, और आप अगर जज साहब को समझा नहीं पाए तो आपका मुकदमा हवा में उड़ जाएगा कट, और सारे पैसे और जमीन गई। इस बात को वापस मैं समझा रहा हूं आपको गहरे से, समझिए दोनों बातों को समझिए, ये ए जमीन बेचने वाला और बी खरीदने वाला, अगर इस एग्रीमेंट में तारीख लिखी है, एग्रीमेंट तो कोई भी तारीख को करो कि इतनी तारीख को रजिस्ट्री करा देंगे और रजिस्ट्री नहीं कराता है तो ये पहला नियम लगेगा कि 3 साल, अगर कोई तारीख नहीं लिखी है और कहा है कि जब भी बेचने वाला कहेगा या खरीदने वाला कहेगा तब रजिस्ट्री करा दूंगा, तो जब खरीदने वाले ने बेचने वाले को कहा कि भाई तू रजिस्ट्री करा और उसने मना किया, जैसे इसमें कोई तारीख नहीं लिखी, इसमें मान लो 1-1-2-1990 लिख रखी है और कब रजिस्ट्री कराएगा ये कुछ नहीं बोला, इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, 90 का एग्रीमेंट है, अभी 24 चल रहा है, ठीक है ना, 90, 100, 10, 20 या 24 यानी कि 34 साल पुराना एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब 34 साल पुराने एग्रीमेंट को कैसे चलेगा, जब बी ने बोला कि भाई तू मेरा रजिस्ट्री करा और ए ने मना किया, क्योंकि इसमें कोई तारीख लिखी हुई नहीं थी, तो जब मना किया उससे 3 साल के अंदर ये दावा कर सकता है, समझ में आ गई ना। अगर एग्रीमेंट में कोई फिक्स तारीख नहीं लिखी है कि कब रजिस्ट्री करूंगा, तो जब आप कह रहे हो सामने वाले व्यक्ति को कि तू मेरे रजिस्ट्री करा और उसने मना कर दिया, तो उससे 3 साल के अंदर अंदर आपको दावा पेश कर सकते हो। अब इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या होती है, अब क्या होता है, ए बेचने वाला बी खरीदने वाला 1990 में रजिस्ट्री करी एग्रीमेंट कराया, अब जब बी दा नोटिस भेजता है इसको, उस नोटिस में उसको सारा गड़बड़ लपड़ा कर देता है, वो क्या लिख देता है कि मैं वर्षों से आपको कह रहा हूं कि आप मेरे नाम पर रजिस्ट्री कराओ ना, आप नहीं करा रहे हो, क्या बोल दिया, वर्षों से, इसका मतलब आपका लिमिटेशन आपने खुद नहीं खत्म कर दिया, तो भूल कर भी जब उस ऐप को एग्रीमेंट दो तब वर्षों वाली बात मत लिखो, उसको सिर्फ यही लिखो कि आपने मेरे नाम पे जो एग्रीमेंट कराया था या आपके पिताजी ने जो एग्रीमेंट कराया था, अब मुझे उसकी रजिस्ट्री करानी है, आप 7 दिन में करा, तहसील उपस्थित रहे और मैं रजिस्ट्री कराने तैयार। ये न लिखे कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं ना, आप रजिस्ट्री नहीं करा रहे हो, ना देखा उस पर चुप, कब से कह रहे हो चुप, नहीं तो कोर्ट में सामने वाला इस जजमेंट को लेके आएगा जो इसमें मैं अभी बताऊंगा। तो यानी कि आप जब नोटिस देते हो या जो दावा करते हो कोर्ट में, उस दावे में खुद कभी अपना ऐसा नहीं लिखना कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं आप रजिस्ट्री नहीं करा रहे, अरे यार तुम लंबे समय से कह रहे हो तो तुमने मियाद तो खुद ही खत्म कर दी 3 साल की, तो ऐसी गलती नहीं करनी। ये ज्यादातर लोगों की गलती होती है, यानी कि ज्यादातर लोग मुझे अपने एग्रीमेंट भेजते रहते हैं कि साहब वकील साहब मेरा एग्रीमेंट चेक कीजिए, मेरे एग्रीमेंट का दावा चेक कीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर भेजते रहते हैं मुझसे सलाह लेने की। हाँ, मुझसे सलाह लेने की बात बताते तुम, अगर मुझसे आपको सलाह लेनी है इस नंबर पर आप कोई भी गौशाला है उस गौशाला में 500 रुपए की रसीद कटवाइए, आपके पास जो भी कोई गौशाला है और इस नंबर पर भेजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर गौशाला नहीं है तो 300 रुपए की रसीद कटाकर 300 रुपए गूगल पेमेंट कर दो इस नंबर इस पर, यानी कि आपके पास गौशाला है तो गौशाला 500 रुपए रसीद कटा दो, और आपके पास गौशाला नहीं है तो मुझे भेज दो 300 रुपए, ठीक है, फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ये नंबर दे रहे हैं उस पर। तो मैं जो कह रहा था कि आपको जो दावा करना है उस दावे में कभी भी यह नहीं लिखे कि हम लंबे समय से आपको कह रहे हैं, या एग्रीमेंट जो किया है उसमें हम लंबे समय से तब से कह रहे हैं आप रजिस्ट्री नहीं करा रहे, ऐसी गलती नहीं करनी, ना नोटिस में इस प्रकार की कोई बात लिखनी है। यह तो हो गई कानून की स्थिति, कानून की स्थिति में आपको समझ में आ गया।
कि 3 साल कब है और ये 3 साल कब है, यानी कि जो दूसरा जो पायदान है उस पायदान का फायदा लेकर आप भले 50 साल बाद भी एग्रीमेंट से रजिस्ट्री करा सकते हैं। साहब मुझे अब नॉलेज में आया, मैंने इसको बोला, इसने मना कर दिया, हमारे एग्रीमेंट में कोई तारीख नहीं लिखी थी, हमने इसको बोला कि रजिस्ट्री करा, हमने इसको 10 दिन पहले बोला और इसने करा था, मैं नहीं करूंगा, इसलिए मैं कोर्ट में आया हूं। इसमें अगर तारीख लिखी हुई है तो फिर आपके हाथ आपने खुद ही बांध दिया, आपको 3 साल में कराना था। अच्छा तारीख लिखी हुई है, देखो अब मैं तो वकील हूं ना, तो वकील को तो हर चीज का रास्ता कोई ना कोई आपको बताना पड़ेगा। तो देखो वकील भी कील होते हैं ना, वकील एक बार लग गए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है ना, उस कील को कैसे निकालना है क्या करना है समझते थे। अगर तारीख लिख दी 3 साल और फिर भी आपने कोई मुकदमा नहीं किया, तारीख नहीं लिखी हुई है तो आपके सेकंड वाले पार्ट में आ गया, तारीख लिख दी फिर भी मुकदमा नहीं किया, तो आपको कोर्ट को इस प्रकार से संतुष्ट करना होता है कि मुझे इस कारण से मैं मुकदमा नहीं कर पाया और वह कारण आपका वाजिब है। जैसे कोई नाबालिग था, कोई पागल हो गया, कोई बीमार हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, कोई ऐसी अनहोनी घटना घटित हो गई जिससे आप कोर्ट में मुकदमा नहीं कर पाए, तो भी आप दावा 3 साल लिखा हुआ तो भी आप कर सकते हो, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, 3 साल बाद में दावा नहीं कर सकता। मगर ये बात कोर्ट आपकी माने या नहीं माने, अगर मान ली कोर्ट ने आप तो आपका दावा चलेगा, नहीं माने तो आपका दावा वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जो भी आधार लेते हो वो आधार ठोस होना चाहिए कि इस कारण से मैं दावा नहीं कर सकता। आप ये आधार ले साहब मुझे तो पता नहीं था कानून का इसलिए मैंने दावा नहीं किया, ये कानून का पता नहीं होना कोई आधार नहीं कहलाएगा। ठीक है तो आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसमें लिमिटेशन एक्ट पे क्या बोला। तो देखो जजमेंट तो इतने मुंह जमाने मुझे भी याद रहते नहीं है, है ना, तो इसमें लिख के लाया हूं मैं, उर्वशी बैन, ठीक है, उर्वशी बैन मतलब गुजरात का होगा, कृष्णकांत और कृष्णकांत, ठीक है, त्रिवेदी साहब है, ठीक है। अब फैसला कब का है, फैसला है ये 14/12/2018, कौन सी कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। अपील संख्या कौन है, कौन सी है नंबर, एसएलपी संख्या है 23062 23063, ये दो अपीलें एक साथ हुई थी। इस नाम से आप ढूंढे मोबाइल पे बोले आ जाएगा फैसला, गूगल पे सर्च करें आ जाएगा, अपील संख्या किसी की जरूरत नहीं है, उर्सी बैन वर्सेस कृष्णकांत, ठीक है, इतना सा बोलने पर आपको मामला आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें क्या देखो विचित्र बात हुई थी, अपन ए बी से समझ लेते, इसमें ए बी नहीं था, एन बी के नाम एग्रीमेंट करें, भी कई वर्षों बाद ए एग्रीमेंट की पालना का और रजिस्ट्री कराने का मुकदमा ए पे किया, ए ने कहा भाई कि तुझे 3 साल में आना था, तो बी ने कहा कि भाई मुझे अभी भी आपने मना किया इसलिए अभी पता चला, इसलिए मैं जब मुझे पता चला, यानी कि ए फर्स्ट पार्ट में नहीं सेकंड पार्ट में लिया, जब मुझे पता चला उसे 3 साल दोनों का, उसका तो कहना था कि 3 साल हो गए अब नहीं आ सकते, इसका कहना था मुझे भी पता चला इसलिए 3 साल मेरे अब की नहीं। मामला अधीनस्थ न्यायालय से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ठीक, अपन मेन सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, अंत में डिसीजन हुई था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, ये यूं कहता है कि इसको मैंने कब से मना कर दिया और इसको पहले से पता था और इसने ऐसे सबूत भी पेश किए, और ये कहता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं था अभी भी पता चला, तो कब पता चला इस पर विवाद हुआ, तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो कोर्ट इस मामले किस मामले पर सुन रही थी, कुछ मामले जो होते हैं ना
जो 3 साल से ज्यादा पुराने होते हैं, वो एक बुक है, उसका नाम है सीपीसी, सिविल प्रज्ञ संहिता। ऐसा मामला जो चलने योग्य नहीं है उसको ऑर्डर 7 रूल 11 में कोर्ट अगर देखती है कि मामला कानून में चलने योग्य नहीं है या समय पर पेश नहीं किया है, तो कोर्ट सीधा उसको बिना सुनवाई किए ही उसको, यानी बिना गवाह बयान कराए, लंबा मुकदमा चलाए, उसको खारिज कर देती है। यानी कोर्ट के दिमाग में आ गया कि टाइम बार मामला है, सुनने में कोई दम नहीं है, इसको खारिज करो। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने के पास आया कि हाई कोर्ट से उसको खारिज हो गया। तो फिर इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बी को कब पता चला, यह गवाही से ही पता चलेगा, यानी गवाह आप कर रही है, मामले को सुनिए, यानी कि दोनों पक्षों के गवाह कर रही है, 7-11 में उसको खारिज नहीं करना है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद तय करना है कि वास्तव में बी को कब पता चलता है, यानी कि जो आपको पूरी गवाही होगी उसके बाद निर्णय करना है कि मामला चलने योग्य था या लिमिट बार था या नहीं था। यानी कि वे मामले जो 7-11 में कोर्ट में पेश करते ही सामने वाला वकील साहब लाते हैं कि इसको खारिज किया जाए, कोर्ट खारिज कर देती है, उसमें जजमेंट रामबाण है। कैसे रामबाण है, आप इसको पेश कीजिए 2018 के जजमेंट में, उसमें सारे कंटेंट लिखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि सीधा कोर्ट को मामला खारिज नहीं करना देना चाहिए, दोनों पक्षों की गवाह आने दो, सुनो पूरा, सुनने के बाद आप डिसीजन लो कि वास्तव में उसको कब पता चला और कब पता नहीं चला। तो इससे क्या होता है कि जो वादी मुकदमा करता है उसको कुछ राहत मिल जाती है और उसका मुकदमा सीधा खारिज नहीं होता है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको याद रखना जरूरी है। फिर जो मैंने कहा जो गलती जो आपको नहीं करनी है, तो मैं पहले से बता चुका हूँ, जब आप लिमिटेशन एक्ट की धारा 54 है उसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का जब आप सहारा लेते हो कि मुझे अभी जब पता चला कि सामने वाले ने मना किया है उससे 3 साल, तो आपको कभी भी दावे में यह नहीं लिखना है कि मैं लंबे समय से कह रहा ना इसने रजिस्ट्री नहीं करा रहा, और ना नोटिस में इस प्रकार की कोई बात लिखनी। नोटिस में भी आप लिख दी कि मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ, 5 साल से कह रहा हूँ, रजिस्ट्री नहीं करा, तो आपका लिमिटेशन का जो पीरियड है वो आप खुद ही खत्म कर दोगे। देखो एक बात और बताता हूँ, ये जो वीडियो बनाया ना अभी मैंने, आज ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया है कि कौन सा मामला चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो कहीं सिविल मुकदमा जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जब यानी कि एग्रीमेंट से रजिस्ट्री कराने का जब आप मुकदमा करते हो ना, तो कई पॉइंट पे वो खारिज हो जाता है। एक तो जैसे समय 3 साल से बाद किया, एक आपने पूरा स्टाम्प लगाया कि नहीं लगाया, एक आपने पूरी कोर्ट फीस भरी कि नहीं भरी, ठीक है, एक आपका जो मामला एग्रीमेंट है, पंजीयन है या नोटरी है, इस पर भी पूरा अलग से पूरा कानून है। दूसरा है कि एग्रीमेंट मान लो आपने फर्जी कराया है, इस प्रकार का सामने वाला आधार लिया है, या जिसे किसी ने एग्रीमेंट कराया वो जमीन का मालिक नहीं है, या अन्य कोई ऐसा आधार लेके आया है जिससे आपको एग्रीमेंट की पालना नहीं की जा सकती। अपन जो इस बात में समझ रहे हैं पुराना एग्रीमेंट, वो मूल रूप से समय वाली बात। इन सब पॉइंट पर मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। आपका एग्रीमेंट का कोई मुकदमा चल रहा है या आपको एग्रीमेंट का मुकदमा करने वाले हैं और आपको कोई समस्या लगती है, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट भी मुझे भेज सकते हैं। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।